So friends, we are going to Gagrun by the route of the river. So let us walk. गाद है गाद, है ना? मिट्टी मिट्टी जो नदी लेके आई हो और ऊपर से बह के आ रही जो देखते हैं यार, कुछ तो होगा यार। इतना थोड़ी करोड़ों सालों से नदी बह रही है, कुछ ना कुछ चट्टानों का मलबा तो रहता ही है। हाँ देखें, सब पूछ लाओ। वही तो पकड़ के इस धरती पे शादी के बाद इंसान को बीवी से चंगुल से निकालना, चक्कू तोड़ना, दोनों बराबर ही भाई। बहुत मुश्किल है, बीने छोड़ती नहीं पतियों, पति बेचारे रियायत रहते हैं, रियायत दे दे रियायत को। हाँ काटने वाटने के लिए आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आदमी पैदल नहीं निकल सकता हो। गुंजाइश तो हमेशा रहती है। इस नदी की अपनी वास्को डी गामा है, कोलंबस और वास्को डी गामा। हाँ मालूम ही नहीं चलेगा, ये छाया रहेगी ना। मैं आया था ना उस टर्न तक आ गया था ना, जहां से हिचर दिखने वाला था, बस टर्न तक आ गया था। ये आलू है, आलू देखो बर क्या आया, कहां से आया आलू है ना। देखो क्या शानदार है, कितनी शांति है पूरी तलहटी में, एकदम शांत। जैसे 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 जाओ गाइड में तो जाते हैं ना, देखना वो स्लिप मार रहा। ऐसे रास्तों में कब आना होगा फिर, पकड़ लो। थोड़ा यही है, हाँ थोड़ा ही है, दांत से पे ही चलना। आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना, मिट्टी साफ कर लेना यहाँ, स्लिप मार जाएगी। बस अब आगे पत्थर, वो तो धोने पड़ेंगे। अब आगे ठीक है, इधर
हाँ कोई बात नहीं, पत्थर आ गया ना सर पे, साफ कर लो। जरा दिखा देखो इधर, चटक धूप कितना शांत है एकदम, नदी की तलहटी है। कहाँ वैसे पर चाहे तो ऊपर साइड भी चल सकते हैं, ऊपर यहाँ चिल्लाओगे ना आप, अगर यहाँ अपना आवाज करते हैं ना इको होती है उसकी। पानी निकाल, पता नहीं क्या है।